Good morning, class. Okay, sir. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. कैसे है सब? लाए सब सबने सामान? यस मैम। ओके, अभी सब अपने कैमरा ऑन करिए। ये देखिए मेरी मेहंदी, आप सबकी भी ऐसी हो गई है। हाँ क्लास, सब कैमरा ऑन करिए अपने। अब हम आगे की स्टेप करते हैं। ये 24 आवर्स के बाद इस तरीके से हो गई है मेहंदी। अब क्या करना है, पूरी मेहंदी को प्लास्टिक बैग में ट्रांसफर करना है। हमारे 2 स्पून भिगोए थे ना, ये ज्यादा महंगी है, मैं 2 स्पून ही लूंगी इसमें से। वेट क्लास नहीं, सॉरी। अब इसको है ना थोड़ा फेट कर देखना है, ये गाढ़ी है या पतली है। स्टार्टिंग में तो मेरी तो नॉर्मल है, ज्यादा गाढ़ी भी नहीं ज्यादा पतली भी नहीं। अब इसके अंदर हमने 2 स्पून मेहंदी लिए थे, अब इसमें 1 स्पून, मतलब कभी भी 2 स्पून मेहंदी ले रहे हैं तो 1 स्पून नीलगिरी ऑयल डालना है उसमें। अगर 2 से ज्यादा ले रहे, अगर 4 लेंगे तो फिर कितना नीलगिरी ऑयल डालेंगे क्लास, बताइए? 2 मैम, 2 चम्मच। जी हाँ, अगर हम 4 चम्मच ले रहे हैं तो 2 चम्मच उसमें हम नीलगिरी ऑयल डालेंगे। बराबर हाफ क्वांटिटी रखना है। Yeah.
अब इसमें पंच कुक में नीलगिरी ऑयल डाल रही हूँ। नीलगिरी ऑयल डालने के बाद मुझे इसे अच्छे से फेंटना है। देखिए अच्छे से फेंटना है, उसके बाद वो गाढ़ी लग रही है अगर तो उसके अंदर हम एक दो ड्रॉप पानी के डाल सकते हैं। नीलगिरी ऑयल 1 स्पून डाले हैं, 2 चम्मच मेहंदी के अंदर, हाफ हाफ की क्वांटिटी लेते जाना है। ये देखिए इस तरीके से मिल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसे हमें पैकेट में पैक करना है। कैरी बैग लेनी है, पूरा डिब्बे में की पूरी मेहंदी अच्छे से क्लीन करनी है और पूरे पैकेट में डालनी है। फिर स्पून भी क्लीन करना है अंदर पैकेट में डालकर, ठीक है। अब इस पैकेट को अच्छे से खोल देना है, फिर उसके बाद इसमें पूरी मेहंदी एक जगह करनी है नीचे साइड। बिल्कुल भी हवा रहने नहीं चाहिए इस पैकेट में, इस तरीके से पूरी मेहंदी नीचे करनी है, ओके। और इसको ऊपर से पैक, मेहंदी का कलर देख सकते हैं फिंगर पर आ भी गया। या फिर किसके पास रबर लाने के लिए बोली थी ना मैंने, लाए है रबर? हाँ क्लास, इसको यहाँ पर ऊपर से रबर से पैक कर देना है, ठीक है। ये मेरा पैक होने वाली
पैकेट है, ये बन गया हमारा मेहंदी पैकेट। यहां तक कर लीजिए सब। जिसका पैक नहीं है वो इस रबर से पैक कर लीजिए ऊपर से। ठीक है, इस तरीके से पैक कर देना है। अब कोन बनाइए, कोन पेपर लीजिए। मैडम घिसक नहीं है क्या? घिसक नहीं तुम्हें चित्र दे। हाँ हाँ, कौन पेपर लेना है, कौन बनाइए। कोन बन गया सबका। अब इसको एक साइड से हम कट करेंगे इस पैकेट को। अब मेहंदी डालनी है थोड़ी थोड़ी इसमें। फिर ऐसा राउंड करना है हाथ को। कोन की नोक बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। ये ऊपर से पकड़ के इसको शेक करना है। मेहंदी को अंदर डालना है। मैम जी, आपने कहाँ से कट किया फिर से दिखाओ ना, वो कौन किधर से कट किया आपने? ये पैकेट को एक साइड से कट की हूँ मैंने बस। ओके, वो दिख नहीं रहा, आप स्क्रीन का थोड़ा ये करो ना, दिख नहीं रहा है प्रॉपर अभी। हाँ, यहाँ से एक साइड से कट करना है कि उसके अंदर हम डाल सकते कोन के अंदर मेहंदी को। शेक करके इसके अंदर पूरी मेहंदी डाल देनी है। तो पूरी मेहंदी नीचे की तरफ लानी है। हमारा ये वाला हिस्सा ओपन है ना, मेहंदी बाहर आएगी, इसलिए पहले एक छोटी सी सेलो टेप लेके इसके फेस के ऊपर लगा देनी है। इस तरीके से, ठीक है। अब पूरी मेहंदी को नीचे लाना है। अब ये ऊपर वाला हिस्सा बच रहा है ना, यहाँ पर देख लीजिए, ये ऊपर वाले हिस्से को कैसे फोल्ड करना है देख लीजिए। पहले क्रॉस,
के ऊपर पेपर सेकंड वाला क्रॉस, ये ऊपर का हिस्सा बचता है, इस पेपर को हम zigzag करेंगे और फिर अंदर का वन फोल्ड और सेकंड फोल्ड टाइट पैक करना है कोन को। थोड़ी सी बड़ी सी सेलो टेप लेनी है, तो बैक साइड लगाना है सेलो टेप को, देख लीजिए क्लास को पैक करते हुए आगे की तरफ कंप्लीट टच करना है। थ्री सेलो टेप में हमारा को तैयार इस तरीके से, ठीक है? समझा सबको ऑनलाइन? यस मैम। अगर हमको फिनिशिंग से ये ऐसे बाहर नहीं देख दिखना चाहिए, इसलिए लगानी है तो एक और सेलो टेप लेनी है यहाँ पर लगाकर। ये ऊपर का हिस्सा राउंड बन जाएगा, फिर सिर्फ चार सेलो टेप में हमारा टाइटली कोन तैयार हुआ है और बिल्कुल टाइट रहना चाहिए कोन सबका, ठीक है? हेलो जी, जिसको समझा नहीं है फिर से एक कोन पैक करके बताती हूँ, देख लीजिए। हमने थैली के अंदर मेहंदी ले ली है, उसको एक साइड से कट करना है, फिर उस मेहंदी को कोन में तरीके से भरना है। इसको अंदर की तरफ कैसे पुश करेंगे हम? सराउंड बनाना है हाथ का, नीचे कोन की नोक लगनी नहीं चाहिए, किसी भी जगह नीचे लगनी नहीं चाहिए, कोन की नोक खराब नहीं होनी चाहिए। फिर इसको ऐसा शेक करते हुए पूरी मेहंदी को अंदर की तरफ डालना है। ठीक है, मेहंदी कम लग रही है तो और डालिए, लेकिन पूरा ओवरफ्लो नहीं करना है मेहंदी को। सब पूरे मेहंदी के कोन बना लीजिए। इसका एक बन गया, वो पूरे मेहंदी का बना लीजिए कोन। ठीक है, देखिए मेरी मेहंदी कितने अंदर है। अब मैं इसको ऊपर से प्रेस करूंगी तो नीचे से अब इस हिस्से को पैक करना है। तो पहले क्रॉस फोल्ड, फिर सेकंड क्रॉस फोल्ड, अब ये बचे हुए पेपर को जिग जैग करके फोल्ड करना है टाइट लिया, फिर एक फोल्ड करते हुए सेकंड फोल्ड करना है, फिर टेप लेना है बड़ी, बैक साइड लगानी है, बैक से फ्रंट पर आकर स्टिक करना है इस तरीके से, ठीक है? ये बन गया हमारा कोन, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है क्लास? समझा सबको? अब व्हाइट शीट निकाली, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो क्लास मेहंदी का कोन बनाना सीख गए अब हम। अब प्रैक्टिस के लिए मैं जब भी बोलूंगी फ्रेश मेहंदी लाना है तो नीलगिरी ऑयल उसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है? नीलगिरी ऑयल कलर के लिए होता है। मैम ये व्हाइट बोर्ड शीट ऐसी है तो इसके ऊपर क्या एक और पेपर रखेंगे? व्हाइट शीट कैसी है आपके पास? चला के चला लो।
दिखाओ मैं चला के दिखाऊ क्या बनाना दिखाओ जी माइक ऑफ कर दीजिए अब कौन किस तरीके से पकड़ना है पहली बात तो हम हाथ निकाले को ना पहले फोन पकड़ना सीखा जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर दीजिए कौन इस तरीके से पकड़ना है जैसे हम पेन पकड़ते ठीक है ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कौन कैसे पकड़ते ये दो फिंगर में ही कौन पकड़ा जाता है ओके अब निकालने के टाइम हमें क्या करना है हमारा लेफ्ट हैंड नीचे रखना है उसके ऊपर राइट हैंड रखना है और कोई भी डिजाइन बना रहे हैं अगर हम तो उस डिजाइन का स्क्रीन टच नहीं होना चाहिए ऊपर से है ना एक लाइन लेना सीखिए पहले स्टार्टिंग अगर लाइन देखिए मेरी यहाँ पर टूट रही है तो मैं फिर से स्टार्ट करूंगी इस तरीके से मैम हमारी तो मेहंदी नहीं निकल रही इसे नीचे से कट करूं थोड़ा एक मिनट देखिए मैं घुंघरू बनाकर बता रही हूँ पॉइंट देना है स्टार्टिंग में राउंड लेना है फिर पॉइंट स्क्रीन टच बिल्कुल नहीं बनाना है क्लास फर्स्ट राउंड को ग्रुप फिनिशिंग से निकालना है सबने
लाइन टूट रही, तो मैं देखो फिर से इसके ऊपर ही लाइन ले रही हूँ। सब फिनिशिंग के साथ बनाइए क्लास।